नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त बता दें कि सिवान जिला में चंद्रज्योति हॉस्पिटल में अब बैठेंगे डॉक्टर विशाल गौतम। आपको बता दें कि वहीं पे उनकी पत्नी डॉक्टर पूजा गौतम भी साथ में बैठेंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर विशाल गौतम MBBS DNB जनरल सर्जरी के तौर पर सिवान शहर में पहली बार ये बैठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे चंद्रज्योति हॉस्पिटल में कई तरह का तमाम सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे आज 7 अगस्त को इस हॉस्पिटल में उद्घाटन किया गया है, जिसमें तमाम तरह के यहाँ पे जिले के माननीय श्री कई नेतागण कई पुरुष यहाँ पहुँचे थे। आपको बता दें कि यहीं पे रमान चौधरी जो कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, वहीं गब्बर चौधरी जो RJD के नेता हैं, वहीं पे सिवान जिला के जो समाज सेवी जीवन यादव भी पहुँचे थे। वहीं कई ऐसे जो लोग हैं पहुँचकर इस हॉस्पिटल के बारे में जाने और डॉक्टर विशाल गौतम को बधाई दी और कहा कि आप सिवान शहर के लिए बड़ा कदम उठाए हुए हैं, तमाम तरह की सुविधा आपको यहाँ दी जाएगी और आपके हॉस्पिटल के द्वारा जो सुविधा प्रदान किया जा रहा है वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे इस जिले सिवान जिला वासियों के लिए एक बेहतर कारीगर है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सिवान जिला में अब बैठेंगे डॉक्टर विशाल गौतम, जो कि MBBS DNB जनरल सर्जरी के तौर पर जाने माने डॉक्टर हैं, जो राजस्थान में बैठते थे। अब विशाल गौतम यानी कि डॉक्टर विशाल गौतम सिवान शहर हॉस्पिटल रोड बहड़िया स्टैंड से उत्तर साइड में चंद्रज्योति हॉस्पिटल के पास अब बैठेंगे। आपको बता दें कि आज चंद्रज्योति हॉस्पिटल में इनका शुभारंभ हुआ और यहां पे आज के दिन से प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं और इनके साथ साथ इनकी पत्नी डॉक्टर पूजा गौतम जो भी MBBS है, MD चेस्ट एंड TB जो कि कार्डियोलॉजी है। और आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम तरह की सुविधा प्रदान किया जा रहा है और बोकारो हार्ट एंड इको सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ तमाम तरह के जो लोग हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ पे ये लोग आए और कैसा महसूस हुआ, क्या कुछ इनकी विचारधारा रही और किस तरह से इन्होंने अपने आप को, अपनी बातों को व्यक्त किया हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखते रहिए हमारे प्राइम न्यूज इंडिया को, चलिए बात करते हैं आगे। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रमान चौधरी सहित तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ शिरकत कर रहे हैं। सीधे हम सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन है रमान चौधरी, उनसे जानते हैं आज उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे अजक जी? सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया सबको मैं इस हॉस्पिटल और के तरफ से और जितने हमारे यहाँ मेडिकल जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो हमारे जितने मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग के तरफ से मैं इस सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और सिवान में दूर दूर तक इस तरह का कोई डॉक्टर नहीं थे, जो पटना दिल्ली बड़े शहरों में लोग जाते थे, अब सिवान में एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा यहाँ की जनता को। देखिए यह राजेंद्र बाबू का धरती है और मौलाना साहब का धरती है और सिवान हर जगह से यह धरती का एक बहुत बड़ा योगदान है। इस धरती का राजेंद्र बाबू का जो नमन करता हूँ, ये अच्छे अच्छे डॉक्टर और यहाँ आज हम देख रहे हैं कि हार्ट का हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैडम हैं, इको का सब जो व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं था, आज मेरे यहाँ वो व्यवस्था उपलब्ध हो गया, जो हमारे यहाँ के लोग चलकर गोरखपुर और पटना और लखनऊ और जाते थे दिल्ली और बहुत दूर दूर अनेकों स्टेट में जाते थे, तो वो सुविधा आज हमारे सिवान में ही उपलब्ध है। सिवान के ही लोग और सिवान का धरती का यह लाल लोग देने के लिए तैयार हैं। आज इतनी खुशी होती है कि हमारे समाज में इतना राजेंद्र बाबू का नाम का हर देश विदेश में लोग रोशन, उन्होंने हार्दिक शुभकामना दिया है। दो डॉक्टर जो यहाँ मौजूद है हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आइए परिचय कराते हैं। सर अपना भी परिचय दीजिए। जी मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव हुआ, मैं पेशे से मेडिकल लिमिटेडिव हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सिवान शहर में ये व्यवस्था नहीं थी, जो आज व्यवस्था सर ने और मैडम ने मिलकर के उपलब्ध कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और हम लोग चाहेंगे कि समाज के जो लोग हैं उनका सेवा हो, सेवा भावना से एक काम हो।
बिल्कुल, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हार्ट अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कार्डिक प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। जी जी। विकल्प नहीं था, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रमान चौधरी ने बताया कि बड़े शहरों में लोग जाते थे, इलाज बहुत महंगा था। सिवान के लोगों के लिए खास तौर पर जिस तरह से आज मतलब आपकी शुरुआत हुई है, लोगों की बड़ी उम्मीद जुड़ गई है और मीडिया के माध्यम से जो आवाज जनता तक पहुंचेगी, तो क्या कुछ कहेंगे, आने वाले समय में क्या कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? आज मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए, हौसला बुलंदी करी। और एज अ डॉक्टर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज सिवान में नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी की सारी व्यवस्था हमारे पास है। 6 महीने के अंदर हमारे पास कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध होगी और उसके उपरांत उसके साथ ही हमारे पास हार्ट का ऑपरेशन, खून की नसों का ऑपरेशन या छाती का की बीमारियों का कोई ऑपरेशन हो उसकी भी व्यवस्था हाथों हाथ हो जाएगी एक बार कैथ लैब हमारा स्थापित हो जाए। तो जो आने वाले के अंदर जो हमने शुरुआत की है उसको पूर्णतः रूप से प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैडम हैं उनका भी हम परिचय लेंगे। मैम, आप भी इसी क्षेत्र से स्पेशलाइजेशन रखती हैं? हाँ जी, मैं डॉक्टर पूजा गौतम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। जी जी। तो चलिए, सिवान में पहली महिला डॉक्टर हैं जो कि कार्डियो के क्षेत्र में आपका आज शुरुआत आपने किया है। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, आपको हौसला अफजाई कर रहे हैं। महिला से लोगों की काफ़ी उम्मीद होती है, क्या कहेंगे आप एक महिला डॉक्टर होने के नाते? थैंक यू सो मच आप लोग सब आए, और वही नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी की जितनी भी सर्विसेज है हम लोग सब प्रोवाइड करेंगे। और काफ़ी सारी फीमेल्स होती है जो थोड़ी इको ईसीजी इसमें थोड़ा शर्माती हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ठीक रहेगा। अभी हम लोग चंद्रज्योति हॉस्पिटल में हैं, सभी यहाँ के बंधु और महापुरुष सब लोग आए थे। डॉक्टर विशाल गौतम जी के ये हम लोग के छोटे भाई हैं। हम लोग का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सिवान का मैं चेयरमैन हूँ। मैं चाहूँगा कि जो भी इनका जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, मैं सहकारिता विभाग के तरफ से और अपने बैंक के तरफ से देन एंड देयर 24 घंटा में जो भी लागत होगा मैं उपलब्ध कराऊँगा। डॉक्टर की ने शुरुआत किया है जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कार्डिक सर्जन हैं और कार्डिक फिजिशियन भी हैं, यानी कि महिला और पुरुष दो डॉक्टर हैं, क्या कहेंगे सर? ये बहुत दिनों से बात चर्चा चल रही थी कि यहाँ कार्डियो के डॉक्टर रहने चाहिए, और वो आज पूरा हुआ और पूरे के साथ वो लोग आए हैं। और मेरी शुभकामना है कि वो लोग आगे बढ़ें और सिवान की जनता का निस्वार्थ सेवा करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ, मैं सिवान के बाहर न्यायालय में अधिवक्ता हैं। ये दोनों पूजा गौतम, डॉक्टर पूजा गौतम, डॉक्टर विशाल गौतम दोनों मेरे भाई बनिया हैं, छोटी बहन के बेटा हैं, और उनको ले आने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग साथ दिए हमको यहाँ आने के लिए। बहुत दिनों से उनके पीछे पड़े हुए थे कि वो यहाँ आए, यहाँ काफ़ी संघर्ष।